हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स मैं राहुल गौतम आपका अकाउंटेंसी एजुकेटर आज लेके आया हूं क्लास इलेवंथ अकाउंटेंसी से फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट ये पूरी सीरीज है बेटा एक एक क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं एक वीडियो के अंदर 15 टू 20 मिनट्स का टाइम लगना चाहिए इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एडजस्टमेंट्स होते हैं अलग अलग तरह के एडजस्टमेंट होते हैं हर एक क्वेश्चन में हम नया एडजस्टमेंट देख रहे हैं मेरा फोर स्टेप सॉल्यूशन हमेशा आपके साथ रहेगा फोर स्टेप सॉल्यूशन अगर आप सीख जाते हैं तो एक बार में ही आपकी बैलेंस शीट जो है वो टैली करना सीख जाओगे क्लियर बात है जी मैगनेट पे आपको मिलता है 100 परसेंट कम्प्लीट फ्री एजुकेशन फॉर सीबीएसई इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम एंड स्टेट बोर्ड्स की अगर बात करूं तो एमपी बोर्ड यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड के वीडियोस आपके लिए निशुल्क अवेलेबल होते हैं साथ ही साथ आप हमारे नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं इनकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होती है मेरे सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे प्ले में और प्ले की लिंक जो है वह भी अवेलेबल होती है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अब ज्यादा टाइम को ना इस्तेमाल करते हुए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो चलो तो क्वेश्चन है हमारे पास अगेन मैं फोर स्टेप सॉल्यूशन की तरफ लेकर जाना चाहूंगा आपको चार स्टेप्स याद है ना पहली स्टेप क्वेश्चन को रीड करेंगे एडजस्टमेंट्स के हिसाब से मार्किंग करते जाएंगे फर्स्ट स्टेप इज डन सेकेंड स्टेप में क्या करना होता है सर एक, एक ट्रायल बैलेंस के अंदर के एक आइटम को एक जगह पे हमें उसको इफेक्ट देते जाना है स्टेप नंबर थ्री में सर हम एडजस्टमेंट्स को दो इफेक्ट देते हैं और एडजस्टमेंट फोर में हम ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करते हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्लोज करते हैं और बैलेंस शीट फाइनली हमारी टैली हो जाती है क्लियर है जी तो स्टार्ट करू मैं स्टेप्स फॉर्मेट ऑलरेडी मैंने प्रिपेयर करके रखा आपके लिए ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट का फॉर्मेट कुछ नहीं होता है ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट होता, होता है पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट साइड क्रेडिट साइड लाइक वाइज हमारे पास बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है लाइब्रेस अमाउंट एसेट्स अमाउंट क्लियर है जी चलो आइए तो पढ़ते हैं क्वेश्चन को फॉलोइंग बैलेंसेस आर टेकन फ्रॉम बुक्स ऑफ निरंजन prepare trading account, trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2023 and balance it as on that date. We have capital, hai, opening stock, furniture, sales, hai, for purchase, purchases, returns, hai, rent, hai, salaries, hai, bad debts, hai, Sunday debtors, hai, advertisement expenses, hai, patents, hai, drawings, plant and machinery, purchases, insurance, sales return, general expenses, wages, 6% investments, Sunday creditors, cash and miscellaneous income. इसके अलावा वी आर हैविंग सम एडजस्टमेंट्स एडजस्टमेंट्स आर क्लोजिंग स्टॉक सेवन लैख फिफ्टी थाउजेंड ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट के एसेट साइड इसके बाद डेपिसिट मशीनरी बाय टेन परसेंट फर्नीचर बाय ट्वेंटी परसेंट तो मशीनरी और फर्नीचर को मार्क कर लेंगे ये रहा फर्नीचर और हमारे पास दूसरा आइटम ये रहा फर्नीचर और दूसरा आइटम हमारे पास कहाँ है सर जी मशीनरी ये रहा

ऑल्सो क्रिएट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एट द रेट टू परसेंट अब देखो ये प्रोविजन से डिफरेंट होता है डिस्काउंट प्रोविजन से डिफरेंट होता है डिस्काउंट कैसे क्रिएट करना देखो नया एडजस्टमेंट है ये इस क्वेश्चन के लिए इस सीरीज के लिए ये नया एडजस्टमेंट है तो मेरे पास डेट्स हैं फर्दर हो रहे हैं इसमें मैं मार्क कर लूंगा इसके बाद मुझे मार्क करना है डेटर्स में मार्क करना है क्या प्रोविजन भी अलग से गिवन है नहीं गिवन सर तो प्रोविजन बनाना पड़ेगा और डिस्काउंट के लिए प्रोविजन भी एडिशनल बनाना पड़ेगा इधर मेरे पास सो तो फार अब इन्वेस्टमेंट किए रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन है था ये। अगर ये नहीं भी लिखा होता ना तो मैं पूरे साल का इंटरेस्ट चार्ज करता अगर इंटरेस्ट का मेरे पास फिगर नहीं होता इन्होंने लिख दिया है तो इन्वेस्टमेंट को मार्क कर लो सिंपल वेर इन्वेस्टमेंट्स इन्वेस्टमेंट्स का फिगर किधर है सर जी इन्वेस्टमेंट्स ये है सिक्स परसेंट इन्वेस्टमेंट ये हो गई मेरी स्टेप नंबर वन इज डन मार्किंग कर लिया फॉर एडजस्टमेंट पर्पसेस क्योंकि इनको मैं इनर कॉलम में रिकॉर्ड कर लूंगा अब सिंपल जैसे करते हैं एक एक आइटम को पिक करेंगे उसको ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट बैलेंस प्रॉफिटिव लोकेशन पर लेके जाएंगे तो सबसे पहले प्रिपेयर करके रखा था और हमें बैलेंस शीट बनानी एज ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी थ्री और सबसे पहले इधर आएगा आपका कैपिटल बैलेंस कैपिटल को सर हमेशा आप इनर कॉलम में लिखिए क्योंकि इसमें ड्रॉइंग्स और प्रॉफिट एंड लॉस का एडजस्टमेंट जरूर होता है नेक्स्ट आइटम है सर ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक की लोकेशन होती है सर ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड बीइंग बींग डायरेक्ट एक्सपेंस टू ओपनिंग स्टॉक अमाउंटिंग टू फोर लैख फिफ्टी थाउजेंड अमाउंटिंग टू फोर लैख फिफ्टी थाउजेंड नेक्स्ट आइटम है मेरे पास फर्नीचर फिफ्टीन थाउजेंड से फर्नीचर मेरे पास फिफ्टीन थाउजेंड एडजस्टमेंट होने के कारण मैं इनर कॉलम में रिकॉर्ड करूंगा फर्नीचर को नेक्स्ट आइटम मेरे पास है सेल्स फोर्टी थ्री लैख फिफ्टी थाउजेंड फोर्टी थ्री लैख फिफ्टी थाउजेंड और ये भी रिकॉर्ड होगा इनर कॉलम में क्योंकि सेल्स रिटर्न आर देयर फोर्टी थ्री 50,000 फिफ्टी थाउजेंड नेक्स्ट आइटम है परचेजेस रिटर्न तो परचेजेस रिटर्न माइनस होता है परचेजेस से और परचेजेस आता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड माइनस कर दीजिए रिटर्न्स परचेजेस रिटर्न्स आर 40,000 चालीस हजार के परचेज रिटर्न हो जाते हैं बच्चों फोर्टी थाउजेंड के परचेजेस रिटर्न हैं रेंट बीइंग एन डायरेक्ट एक्सपेंस फिफ्टी थाउजेंड टू बी रिकॉर्डेड एट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू रेंट फिफ्टी थाउजेंड ये हम बना रहे हैं फॉर द इंडेड थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी थ्री के लिए राइट right? नेक्स्ट आइटम वी आर हैविंग सैलरीज टू लैख फोर्टी थाउजेंड सैलरी टू लैख फोर्टी थाउजेंड एडजस्टमेंट मार्क करके रखा तभी याद है ऐसे अगर आप लिखते जाओगे बिना मार्किंग के तो एडजस्टमेंट ही याद नहीं रहेंगे कितने एडजस्टमेंट्स हैं इसलिए सबसे पहले मैं आपको एडजस्टमेंट्स की मार्किंग कराता हूं फिर आता बेड डेट्स टेन थाउजेंड टू

नेक्स्ट आइटम एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस सिक्सटी थाउजेंड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस सिक्सटी थाउजेंड टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अमाउंटिंग टू सिक्सटी थाउजेंड अब जो आपके पेटेंट्स हैं इंटेंजिबल एसिट्स तो पेटेंट्स को आपको इधर रिकॉर्ड कर देना है बैलेंस शीट में पेटेंट्स फोर्टी एट थाउजेंड अब बेसिकली पेटेंट्स को भी एमोटाइज होना होता है लेकिन इलेवेंथ लेवल पे हम पेटेंट्स को अमोटाइज नहीं करते जैसे एसेट जो टेंजिबल एसेट होती है उस पर आप डेप्रिशिएशन चार्ज करते हो वैसे ही पेटेंट्स को भी अमोटाइज किया जाता है लेकिन कोई इंफॉर्मेशन नहीं है इसलिए नहीं करेंगे अब आता नेक्स्ट आइटम आपके पास ड्रॉइंग्स टू लैख टेन थाउजेंड ड्रॉइंग्स क्या होती है अमाउंट विथड्रॉन बाय ऑनर ऑफ बिजनेस तो कैपिटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय बिजनेस मैन तो किस में एडजस्ट होना चाहिए कैपिटल में एडजस्ट होना चाहिए नेक्स्ट आइटम प्लांट एंड मशीनरी टू लैख फोर्टी थाउजेंड प्लांट एंड मशीनरी टू लैखी थाउजेंड नेक्स्ट आइटम परचेजेस नेक्स्ट आइटम है purchases. Purchases को कहां रिकॉर्ड करोगे सर ये देखो ऑलरेडी मार्क करके रखा लिख के भी रखा है ट्वेंटी नाइन लैख फिफ्टी थाउजेंड ट्वेंटी नाइन लैख फिफ्टी थाउजेंड इंश्योरेंस फिफ्टीन थाउजेंड डायरेक्ट एक्सपेंस इनडायरेक्ट होता है टू इंश्योरेंस टू इंश्योरेंसेस फिफ्टीन थाउजेंड हो गया राइट नेक्स्ट आइटम है आपके पास सेल्स रिटर्न कहां से माइनस करोगे सेल्स से माइनस करेंगे सर सेल्स रिटर्न आर डिडक्टेड फ्रॉम सेल्स सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस कर दीजिए अमाउंटिंग टू सेवेंटी थाउजेंड अमाउंटिंग टू सेवेंटी थाउजेंड ठीक है नेक्स्ट आइटम जनरल एक्सपेंसेस ट्वेंटी थाउजेंड बींग एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस टू जनरल एक्सपेंस ट्वेंटी थाउजेंड नेक्स्ट आइटम वी आर हैविंग वेजेस। वेजेस कितना है वेजेस सर आपके पास फोर लाख रुपीस का है और वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस होने के कारण यहां रिकॉर्ड होता है और वेजेस में क्या है एडजस्टमेंट्स भी है सर तो इनर कॉलम में लिख लेना भाई नेक्स्ट आइटम सिक्स परसेंट इन्वेस्टमेंट सिक्स परसेंट इन्वेस्टमेंट इज असेट सिक्स परसेंट इन्वेस्टमेंट फाइव लाख रुपीस का है फाइव लाख ,00 रुपीस का है हो गया सेंड्री क्रेडिटर्स सेंड्री क्रेडिटर्स वन लैख नाइंटी एट थाउजेंड बींग एन लाइबिलिटी क्यों लाइबिलिटी है सर ये वो लोग हैं जिनसे आपने क्रेडिट में गुड्स परचेस किए थे अभी भी आपने इनका पेमेंट नहीं किया है जैसे डेटर्स हमने इनको क्रेडिट में सेल्स किया था वैसे क्रेडिटर्स इनसे हमने क्रेडिट में परचेस किया था कैश वन लैख ट्वेंटी टू थाउजेंड कैश वन लैख ट्वेंटी टू थाउजेंड लास्ट आइटम है मिसलेनियस इनकम ट्वेल्व थाउजेंड मिसलेनियस इनकम ट्वेल्व थाउजेंड बाय मिसलेनियस इनकम ट्वेल्व थाउजेंड क्या मेरा स्टेप नंबर टू इज ओवर नाउ क्या मेरा स्टेप नंबर टू इज ओवर नाउ हाँ जी सर स्टेप नंबर टू इज ओवर नाउ मूव कीजिए स्टेप नंबर थ्री की तरफ जहां पे आपको क्या करना है जहां पर सर आपको करना है एडजस्टमेंट्स को तो क्लोजिंग क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट तो सबको आने लगा ना ट्रेडिंग अकाउंट के ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड बैलेंस शीट के एसेट साइड ऐसे ही करते हैं ना चलो सेवन लैख फिफ्टी थाउजेंड सेवन लैख सेवन लैख फिफ्टी थाउजेंड बाय क्लोजिंग स्टॉक जरा इसकी कहानी सुन लो कि सर इसको ऐसा करते क्यों है देखो बात समझना आपके पास शुरुआत में एक एक लाख रुपए के गुड्स थे ठीक ड्यूरिंग द इयर आपने सात लाख रुपए के गुड्स परचेस किए एंड ऑफ द ईयर आपके पास दो लाख के गुड्स बच गए तो क्या करना चाहिए सर आपको ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक तो ड्यूरिंग द ईयर में कितना परचेजेस आपने सेल कर दिया तो माइनस ना करते हुए माइनस कर सकते हैं एडजस्ट परचेस निकालने के लिए माइनस ना करते हुए हम क्या करते हैं इसको क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट रिकॉर्ड कर लेते हैं तो ये एडजस्टमेंट हो गया दूसरा एसेट साइड क्यों लेके जाते हो सर इसको एसेट साइड इसलिए लेके जाके क्योंकि एसेट है ना भाई स्टॉक रखा हुआ है इसको बेचोगे पैसे कमाओगे इससे ना एसेट की डेफिनेशन यही है तो इसलिए इसको हम एसेट साइड भी रिकॉर्ड करते हैं क्लियर चलो ये हो गया डेप्रिसिएट मशीनरी बाय टेन परसेंट फर्नीचर बाय ट्वेंटी परसेंट कर लेता हूं मैं एक मिनट क्लोजिंग स्टॉक का भी एक एडजस्टमेंट देना भूल गया था मैं ये गलती नहीं करनी एडजस्टमेंट्स के दो इफेक्ट देना है आपको लगातार क्लोजिंग स्टॉक अगर गलती से भी एक इफेक्ट देना भूल गए ना बेटा तो फिर बैलेंस शीट टैली नहीं होगी और ढूंढते रह जाना ढूंढते रह जाना आपको मिलेगा ही नहीं कि आपने कहां प्रॉब्लम किया है चलो अब क्या करना है मुझे मशीनरी को डेप्रिशिएट करना है तो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड एक एडजस्टमेंट दूसरा जाएगा बैलेंस शीट में एसेट्स में से सर आप माइनस कर देना एसेट में से माइनस कर देना उतनी वैल्यू कम हो गई ना उस एसेट्स की वैल्यू आपकी और उतने से आपका एक्सपेंस बढ़ जाएगा इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड बैलेंस शीट में से माइनस कर देंगे तो मशीनरी को टेन परसेंट से डेप्रिशिएट करते हैं लेस डेप्रीशन एट द रेट टेन परसेंट टेन परसेंट हो जाएगा ट्वेंटी फोर थाउजेंड अब टू फोर्टी माइनस ट्वेंटी फोर तो बचेगा टू लैख सिक्सटीन थाउजेंड और फर्नीचर को डेप्रीशिएट करने के लिए लिखा हुआ है एट द रेट ट्वेंटी परसेंट फिफ्टीन थाउजेंड का ट्वेंटी परसेंट हो जाएगा सर थ्री थाउजेंड रुपीज तो यहां पे बचेगा आपका ट्वेल्व थाउजेंड रुपीज एक एडजस्टमेंट हो गया अब डेप्रिशिएशन ट्वेंटी फोर और थ्री थाउजेंड कहां रिकॉर्ड होना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड चलो ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड और लिखूंगा टू डेप्रीशिएशन पहले है प्लांट एंड मशीनरी का ट्वेंटी फोर थाउजेंड रुपीज फिर है आपके पास फर्नीचर का दैट इज थ्री थाउजेंड रुपीज टोटल डेप्रीशिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर इज ट्वेंटी सेवन थाउजेंड बोलो कर दिया सर अब आता है नेक्स्ट वेजेस फिफ्टी थाउजेंड सैलरी ट्वेंटी मतलब कि ये ड्यू तो हो चुका है एम्प्लॉय का राइट टू रिसीव स्टैब्लिश हो गया लेकिन हमने दिया नहीं यानी कि खर्चे में भी ऐड नहीं किया आपने तभी तो एडजस्टमेंट में अनअकाउंटेड रह गया तो क्या करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट क्योंकि वेजेस जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में और सैलरीज जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक एक एडजस्टमेंट हो गया दूसरा एडजस्टमेंट क्योंकि पेमेंट नहीं किया है ये आपके लिए लाइबिलिटी है तो क्या करना है लाइबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग दिखा देना तो एक जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में और एक जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और यह जाएगा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड ठीक चलो सर पहुंचाते हैं अपन तो यहां देखो सैलरी आउटस्टैंडिंग सैलरी अमाउंटिंग टू रूपीस ट्वेंटी थाउजेंड ट्वेंटी थाउजेंड इसमें आप प्लस कर दो तो अभी आपका बन जाएगा टोटल सैलरी डूरिंग दू लैख सिक्सटी थाउजेंड वेजेस का भी मैंने देखो यहां पे बचा के रखा था आउटस्टैंडिंग वेजेस आउटस्टैंडिंग वेजेस अमाउंटिंग टू फिफ्टी थाउजेंड फिफ्टी थाउजेंड में वेजेस में ऐड कर दूंगा तो वेजेस ड्यूरिंग द ईयर फोर लैख फिफ्टी थाउजेंड सिंगल इंपैक्ट हुआ है दूसरा इफेक्ट आपका जाएगा धर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस उसमें आएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी और आउटस्टैंडिंग वेजेस ये सर ट्वेंटी थाउजेंड है आपका और ये आपका है सर सेवेंटी थाउजेंड सॉरी ये है आपका फिफ्टी थाउजेंड टोटल जो है वो आपका आएगा सर सेवेंटी थाउजेंड क्या दोनों इंपैक्ट हो गए इतमान के साथ आराम के साथ करो कोई दिक्कत नहीं राइट ऑफ फिफ्टी डेट्स एंड क्रिएट अ अर्सेंट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ऑल्सो क्रिएट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स टू तो देखो सबसे पहले फिफ्टी थाउजेंड फर्दर बैड डेट्स राइट ऑफ करो तो फर्दर बैड डेट्स डाउट राइट ऑफ करोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक इंपैक्ट चल जाएगा बैड डेट्स ऑलरेडी है उसमें प्लस कर दो और डेटर्स कर दो पहला इफेक्ट कर लेते हैं ठीक है दो दो है आइटम पे ठीक है ये ये देखो debtors, debtors. पहले minus कर दो डेट्स कितने माइनस कर रहा है सर फिफ्टी थाउजेंड माइनस कर रहा हूं और इसका सेकेंड इंपैक्ट तुरंत दे दो प्लस फर्दर बेड डेट्स फिफ्टी थाउजेंड राइट हो गया अब लिखा है फाइव परसेंट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट तो प्रोविजन देखना कैसे बनेगा प्रोविजन देखना बेटा ध्यान से कितना बचा मेरे पास थ्री लैख फिफ्टी थाउजेंड थ्री लैख फिफ्टी थाउजेंड का फाइव परसेंट थ्री लैख फिफ्टी थाउजेंड का टेन परसेंट होगा थर्टी फाइव थाउजेंड और फाइव परसेंट कितना हो जाएगा बेटा सेवेंटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड फर्द मैंने प्रोविजन बना दिया सेवनटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड अब ये प्रोविजन कहा जाएगा प्रोविजन कहां जाएगा सर सर एक प्रोविजन आपने यहां माइनस कर दिया दूसरा प्रोविजन कहा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यही कर देता हूं प्रोविजन मैं डायरेक्टली भी लिख देता हूं इसको प्लस नहीं करते हुए टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट सेवेंटीन थाउजेंड ड्रेड अब क्या लिखा है देखो तीन एडजस्टमेंट है इसमें दूसरा एडजस्टमेंट तीसरा क्या लिखा है क्रिएट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन टू परसेंट अब ये डिस्काउंट क्या होता है कि सर हम अपने डेटा से प्रॉम्प्ट पेमेंट करने के लिए उनसे बोलते हैं कि भैया जल्दी पेमेंट कर दो तो उनको कुछ देना पड़ता हमें लालच लालच क्या है कैश डिस्काउंट कि जितने जल्दी पेमेंट कर दोगे उतना मैं आपको डिस्काउंट कर दूंगा एक महीने के अंदर पेमेंट करो दो परसेंट कम देना दो महीने के अंदर करो एक परसेंट कम देना तो कुछ ऐसे डेटर्स हैं अभी कुछ ऐसे डेटर्स हैं जिनका अभी जो कैश डिस्काउंट का ड्यूरेशन कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि मार्च में सेल किया होगा आपने तो अप्रैल या मई तक का टाइम दिया होगा दो महीने तक का जनरली टाइम देते हैं कि दो महीने के अंदर पेमेंट करोगे तो दो परसेंट एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे देंगे अब वो देंगे तो है तो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड इसलिए हम उसको प्रीवियस ईयर में ही लिखना होता है तो प्रोविजन बना लो टू परसेंट अब टू परसेंट प्रोविजन कितने का थ्री लाख फिफ्टी थाउजेंड का थ्री लाख फिफ्टी थाउजेंड का टू परसेंट कितना हो जाएगा देखो फोर माइनस फिफ्टी प्रोविजन माइनस नहीं करेंगे राइट ऑफ फर्दर बेड डेट्स करेंगे थ्री फिफ्टी का टू परसेंट वन परसेंट हुआ थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड टू परसेंट हो गया सेवन थाउजेंड यह माइनस कर दूंगा मैं प्रोविजन फॉर बेड डेट्स डाउटफुल डेट हो गया था ये तो और यह दूसरा माइनस कर दूंगा मैं प्रोविजन फॉर डिस्काउंट कितना सेवन थाउजेंड इसके बाद जो बचेगा नेट में बाहर लेके आऊंगा लेकिन इसके एक और इफेक्ट कहां जाएगा सर इधर जाएगा टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट सेवन थाउजेंड यह वाला अगर एडजस्टमेंट समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया यह बहुत बेस्ट एडजस्टमेंट है फॉर एवर यह हमेशा प्रॉब्लम देखा देखो इस क्वेश्चन में क्या था डेट्स था फर्दर बैड डेट सा प्रोविजन था फॉर डाउटफुल डेट्स प्रोविजन फॉर डिस्काउंट एक चीज छूट गई इसमें हो सकता था एग्जिस्टिंग प्रोविजन और दे देते दे तो मजा आ जाता एग्जिस्टिंग प्रोविजन और दे देते तो मजा आ जाता ठीक है कर दिया मैंने देखो ठीक है अब एक मिनट ये ये तो आपने सारे बाहर फिगर्स ले आए ना इधर के ये बाहर हम भूल नहीं जाए ये माइनस प्लस कर लो कितना हो जाएगा सर सेवनटीन थाउजेंड प्लस सेवन थाउजेंड तो ये बनेगा सर थ्री आप उधर लेके गए तो ट्वेंटी फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड आई थिंक हाँ ट्वेंटी फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड बन जाएगा तो अभी कितना बचेगा ये थ्री लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड ये आपके बचेंगे नेट डेटर्स अब बस चलते हैं हम लास्ट एडजस्टमेंट की तरफ हर एक एडजस्टमेंट को हमने प्रॉपरली कर लिया लास्ट एडजस्टमेंट क्या बोलता है इन्वेस्टमेंट वर मेड ऑन फर्स्ट जुलाई 22 एंड नो इंटरेस्ट हैज बीन रिसीव्ड सो फार तो पहले इन्वेस्टमेंट की वैल्यू पता लगाओ इन्वेस्टमेंट की सर वैल्यू है 5 लाख 5 लाख के इन्वेस्टमेंट है और 6% का ये रिटर्न्स कैरी करते हैं तो कितना हो जाएगा सर ये हो जाएगा 30000 का माना चाहिए लेकिन हम कब कर रहे हैं बैलेंस शीट क्लोज बैलेंस शीट कब क्लोज कर रहे हैं सर देखो इधर डेट लिखी हुई थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी थ्री और आपने इन्वेस्टमेंट कब किए थे जुलाई में कितना समय हो गया बेटा तो देखो जुलाई पूरा जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च नाइन मंथ्स का नाइन मंथ्स का इस पर क्या होना चाहिए इंटरेस्ट हमें ड्यू कर देना चाहिए इंटरेस्ट ड्यू इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू हमें नहीं मालूम कि उस पर हो सकता है ईयरली इंटरेस्ट देने की बात इसलिए नहीं किया लेकिन हम क्या बोलते हैं अक्रू तो हो गया ना ये इंटरेस्ट कहीं जाएगा तो नहीं ना राइट टू रिसेब् राइट टू रिसीव स्टैब्लिश हो गया तो इसको हम अकाउंट फॉर करेंगे इनकम बढ़ाएंगे और अपने एसेट का वैल्यू बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा सर नाइन बाई ट्वेल्व नाइन बाय ट्वेल्व बेसिकली होता है थ्री बाय फोर तो फोर से अगर आपने इसको डिवाइड किया तो ये जाएगा सेवन टाइम्स और टू कैरी होगा तो हो जाएगा फाइव सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड इंटू थ्री सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड टू थ्री ट्वेंटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड ट्वेंटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड का बेटा क्या हो जाएगा आपका इंटरेस्ट और यहां पर प्लस कर दो इंटरस्ट अक्रूड बट नॉट डू आप इसको सेपरेटली भी रिकॉर्ड कर सकते हो लेकिन आई सजेस्ट यू कि अभी इसमें प्लस कर दो आप तो अभी इसकी वैल्यू कितनी हो गई फाइव लैख ट्वेंटी टू थाउजेंड और फाइव हंड्रेड और बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ट्वेंटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड क्या हो गया मेरे सारे एडजस्टमेंट्स नाउ वी हैव डन विद द ऑल एडजस्टमेंट्स क्या रह गया सर स्टेप नंबर थ्री इज ओवर नाउ आ जाइए सर स्टेप नंबर फोर दैट इज फाइनल जो बैलेंसेस बाहर निकले उनको बाहर लेके आओ टू नाइन ट्वेंटी नाइन लैख फिफ्टी थाउजेंड माइनस फोर्टी तो हो जाएगा ट्वेंटी नाइन लैक्स और टेन थाउजेंड ठीक लाइक वाइज ये हो जाएगा सर सेवेंटी माइनस किया तो बचा फोर्टी थ्री फोर्टी टू फोर्टी टू लैक्स और एट्टी थाउजेंड फिगर्स बहुत बड़े बड़े हैं सारे फिगर्स बाहर आ गए विच साइड इज लुकिंग बिगर वन कौन सी साइड आपको बड़ी दिख रही बड़ा जल्दी से बोलो कितना हो हो जाएगा ये प्लस कर लो जीरो फोर्थ जीरो, जीरो. डिजिट तक तो जीरो three, तो ten, ten zero, carry, तो ,00, ,00, है है फिफ्थ में का का और कैरी कैरी हुआ गया जो वो आपका क्रेडिट साइड का हुआ इसमें से माइनस कर दीजिए डेबिट साइड का टोटल तो ग्रॉस प्रॉफिट आने वाला है डेबिट साइड का टोटल में चार जीरो तक तो कोई समस्या नहीं है एज इट इज रिकॉर्ड हो जाएंगी फाइव प्लस वन इज सिक्स प्लस फाइव इलेवन का वन और वन कैरी हुआ तो फाइव प्लस नाइन इज फोर्टीन प्लस फोर इज एटीन का एट वन कैरी हुआ टू प्लस वन इज थ्री थर्टी एट लैक टेन थाउजेंड जीरो 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 थ्री माइनस वन इज टू माइनस एट इज टू फोर माइनस थ्री इज वन ट्वेल्व लाख ट्वेंटी थाउजेंड जो है ट्वेल्व लाख ट्वेंटी थाउजेंड जो है वो आपका आया ग्रॉस प्रॉफिट और इस ग्रॉस प्रॉफिट को कहां पे लेके चलते हैं हम इस ग्रॉस प्रॉफिट को लेके चलते हैं सर ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लियर बात है बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तक क्लियर बात है इसको लेके चलो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड तो ट्वेल्व लैक ट्वेंटी थाउजेंड कहां पर आ जाएगा इधर आ जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्वेल्व लैख ट्वेंटी थाउजेंड स्टिल दैट साइड इज अ अगर वन तो यहां भी टोटलिंग करेंगे जीरो जीरो फाइव फिर हो जाएगा फोर फिर हो जाएगा सर फाइव फिर ट्वेल्व को एज इट इज रिकॉर्ड कर देंगे तो ट्वेल्व लैख फिफ्टी फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड ट्वेल्व लैख फिफ्टी फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड अब आने वाला मेरे पास नेट प्रॉफिट ट्वेल्व लैक फिफ्टी फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड थोड़े से इधर उधर हो गए हैं जीरो लेकिन कोई बात नहीं काम चला लेंगे तो देखो थ्री डिजिट तक फाइव आ रहा है एक जगह टू डिजिट तक तो ठीक है थ्री डिजिट में फाइव आ गया एक जगह ठीक है इधर वाला फाइव आ गया और इधर तो कोई नहीं फोर डिजिट में चलते हैं सेवन प्लस सेवन 14, 14 प्लस सेवन फिर से आ रहा है ट्वेंटी वन प्लस फाइव ट्वेंटी सिक्स का सिक्स टू कैरी हो गया तो सेवन प्लस सिक्स थर्टीन थर्टीन प्लस सिक्स इज नाइनटीन और ट्वेंटी ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी नाइन और थर्टी वन थर्टी वन का वन और थ्री कैरी हुआ थ्री प्लस टू इज फाइव तो आपका आ गया सर फोरटीन माइनस सिक्स इज एट फोर माइनस वन इज थ्री एंड ट्वेल्व माइनस फाइव इज सेवन सेवन लैख थर्टी एट थाउजेंड रुपीज का क्या आ गया आपका नेट प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट कहां जाता है ट्रांसफर टू कैपिटल कितना आ गया सेवन लैख थर्टी एट थाउजेंड सेवन लैख थर्टी एट थाउजेंड आपका क्या आ गया बेटा नेट प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट को लेके चलते हैं सर बैलेंस शीट में ये हो जाएगा प्लस नेट प्रॉफिट सेवन थर्टी एट थाउजेंड सारे फिगर्स मैंने बाहर निकाल लिए थे ना हाँ अब बस कर लीजिए सर इसको प्लस माइनस तो देखो ट्वेल्व प्लस सेवन इज नाइनटीन लैख थर्टी एट थाउजेंड इनटीन लैख थर्टी एट थाउजेंड में से माइनस कर दो टू टेन ठीक है टू लैख टेन थाउजेंड तो जीरो जीरो तो आ जाएंगे सेम थ्री जीरो वहां से भी गायब कर दिए थे मैंने अब एट माइनस जीरो इज एट फिर थ्री माइनस वन इज टू टू इज सेवन और वन एज सेवनटीन लैक ट्वेंटी एट थाउजेंड आपका आ गया कैपिटल अकाउंट बैलेंस चलो अब कर इनको प्लस थ्री डिजिट तक कोई समस्या नहीं है सर फोर्थ डिजिट में जाएगा सिक्स एट प्लस एट इज सिक्सटीन का सिक्स वन कैरी तो टू प्लस वन इज थ्री प्लस नाइन ट्वेल्व प्लस सेवन इज नाइनटीन का नाइन अगेन वन कैरी सेवन प्लस वन इज एट एट प्लस वन इज इन नाइनटीन इज अ टोटल ऑफ लाइबिलिटी साइड अगर मैंने सब कुछ सही किया है तो मेरा आंसर भी एसेट साइड भी नाइनटीन लाइक नाइन्टी सिक्स थाउजेंड आना चाहिए तो आ जाओ कर लेते हैं जीरो ठीक है फर्स्ट डिजिट टू डिजिट जीरो अब थर्ड डिजिट में आ रहा है आपके पास इधर देखो फाइव आ रहा है तो फाइव और फाइव हो गया आपका टेन मतलब जीरो वन कैरी अब इधर से देखो थ्री प्लस सिक्स नाइन नाइन प्लस एट इज सेवेंटीन सेवेंटीन प्लस फाइव ट्वेंटी टू ट्वेंटी फोर ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सिक्स का सिक्स टू कैरी टू प्लस वन इज थ्री थ्री प्लस वन इज फोर फोर प्लस फोर इज एट एट प्लस टू इज टेन ट्वेल्व फोर्टीन फोर्टीन प्लस फाइव इज नाइनटीन का नाइन और वन कैरी वन कैरी हुआ ना तो वन प्लस वन प्लस टू इज थ्री वन प्लस टू इज थ्री थ्री प्लस थ्री सिक्स सिक्स प्लस फाइव इज इलेवन ट्वेल्व ट्वेल्व प्लस सेवन नाइनटीन ये आ गया मेरा नाइनटीन लैख नाइनटी सिक्स थाउजेंड एक बार में ही इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर्स आपकी शिकायत होती है सर कैलकुलेटर मैं कैलकुलेटर भी यूज नहीं किया हूं क्योंकि हमारे स्कूलिंग में कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड आपको प्रोसेस सिस्टम पे भरोसा करना पड़ेगा मैंने जो चार स्टेप सॉल्यूशन बनाया बेटा इस सॉल्यूशन के बाहर कोई क्वेश्चन जा ही नहीं सकता है आप जल्दी से स्टार्ट कीजिए कैप्चरिंग द स्क्रीनशॉट ये बैलेंस शीट आपके सामने दिख रही है स्क्रीन शॉट कैप्चर कर लीजिए बेटा प्रॉपरली फिर ये रहा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसका भी स्क्रीन शॉट कैप्चर करेंगे आप इसका भी स्क्रीन शॉट कैप्चर करेंगे प्लीज एंड दिस इज योअर ट्रेडिंग अकाउंट स्क्रीन शॉट कैप्चर कर लीजिए सा ही क्वेश्चन हो कितने ही एडजस्टमेंट हो अगर आप फोर स्टेप सॉल्यूशन लेके चलेंगे तो हमेशा बैलेंस शीट टैली करेगा यही चीज आपको सीखना है इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए बने रहिएगा मेरे साथ और मैग्नेट ब्र के साथ जहां पे आपको मिलता है हंड्रेड परसेंट कम्प्लीट फ्री एजुकेशन क्वालिटी कॉन्टेंट के साथ हम आपको प्रोवाइड करते हैं भाई क्या प्रोवाइड करते हो सर सीबीएसई इंग्लिश मीडियम सीबीएसई हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड बिहार बोर्ड और एमपी बोर्ड इसके अलावा आप हमारे कोर्सिस स्पोकन इंग्लिश सीयू टी एन टी एस ओलंपियाड पर भी देख सकते हैं क्लियर बात है जी इसके अलावा आपको अगर नोट्स डाउनलोड करने हैं मेरे तो इनकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होती है जाके आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर देना चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल स्वस्थ रहिए मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई को एंजॉय करना ना भूलें थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग